लड़कियों के सरकारी स्कूलों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए कम उम्र के मर्द अध्यापकों की नियुक्ति पर रोक लगाने और 50 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द अध्यापक ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में भेजे जाएंगे, ऐसी नीति की तजवीज रखी गई है। पंजाब सरकार द्वारा लेकिन इस नीति के लागू होने से पहले ही गुरदासपुर के सरकारी अध्यापक वर्ग और सरकारी स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों की तरफ से कड़ी निंदा शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कि सरकार ऐसी नीतियों के जरिए अध्यापक और विद्यार्थियों के पवित्र रिश्ते को निशाना बनाकर बदनाम करने में जुड़ी है। बटाला में गुंडागर्दी चरम सीमा पर दिखाई दे रही है। गुंडागर्दी का एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें कॉमिटी का पैसा के लेन देन को लेकर एक पार्टी ने सरेआम 3 गोलियां चला दी। इसके साथ साथ झगड़ा छुड़वाने आए नौजवान की कान पट्टी पर ही रिवॉल्वर तान दी। पास के दुकानदारों और लोगों ने उक्त नौजवान की जान बहुत मुश्किल से बचाई और एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जबकि दूसरा जिसने गोलियां चलाई वो रिवॉल्वर समेत फरार हो गया। गिरियक थाना इलाके के सतोआ गांव में दो भाइयों के बीच जमीन विवाद को लेकर हुए गोलाबारी और मारपीट, इसमें गोली लगने से एक महिला सहित 3 लोग जख्मी हो गए। घटना के बारे में घायल के परिजनों ने बताया कि संजय यादव और उपेंद्र यादव के बीच 3 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। सिलाव थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक लैपटॉप, 26 घड़ी, 28 चश्मा, 5 मोबाइल और कई हेडफोन के चोरी में 9 चोर को गिरफ्तार करने में सफल हुई। पकड़े गए सभी आरोपी एंड्रॉइड मोबाइल रखने के शौक के कारण जिले के विभिन्न इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ये सूचना नालंदा के एसपी सुधीर कुमार परिका ने दिया है। सिरोही जिले में रोंगटे खड़े हो जाने वाली घटना देखने को मिली है। एक बाइक और कार के बीच हुई बहुत बड़ी टक्कर, जिसमें बाइक चालक हवा में कई फुट उछलकर नीचे जा गिरा, मगर इतना होने के बावजूद भी बाइक सवार को केवल मामूली चोट आई है। ये घटना सिरोही जिले के सरू पंगज के नजदीक दिल्ली अहमदाबाद हाईवे की है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जम गई और घटना की चर्चा होने लगी तथा सभी मन ही मन भगवान की शुक्रिया अदा करने लगे। गुरदासपुर के कस्बा डेरा बाबा नानके में शराब ठेकेदारों की करिंदा की तरफ से 2 नौजवानों की गाड़ी के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतरने, जहां पुलिस की तरफ से 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं विधायक डेरा बाबा नानक सुखजिंदर सिंह रंधावा का कहना है कि इस मामले में किसी का भी दोष नहीं है। इस मामले में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि इस मामले में मृतक नौजवानों के परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा और उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा शराब का कारोबारी हो, अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।